इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 22 में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में क्या क्या चेंजेस आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट 22 में इनकम टैक्स रेट्स में देर इज़ ओनली वन चेंज, रेस्ट आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन FA 21। जो इनकम के हवाले से डिविडेंड इनकम होती है उसका रेट्स 1.25% से इंक्रीज कर दिए गए हैं, और जो अदर थ्रेशोल्ड्स हैं, अदर टैक्स रेट्स हैं, वो बिल्कुल अनचेंज हैं। और 2022-23, दैट इज़ FA 22 के जो रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास नॉर्मल रेट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, और डिविडेंड के रेट्स, प्रीवियसली डिविडेंड जो हुआ करता था वो 7.5% हुआ करता था, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। बेसिक बैंड में अगर डिविडेंड फॉल होता है तो 8.75% टैक्स होगा, अगर हायर रेट में फॉल होता है, प्रीवियसली इट वॉज 32.5%, अब ये 1.25 से इंक्रीज होकर 33.75 हो चुका है, और 38.1% जो हुआ करता था अब वो इंक्रीज होकर 39.35% हो चुका है। नॉर्मल रेट सेविंग्स और नॉन सेविंग्स की अपनी जगह मौजूद हैं, बैंड अपनी जगह मौजूद है, बैंड में कोई चेंजेस नहीं आई। इसी तरीके से सेविंग के निल रेट बैंड अपनी जगह मौजूद हैं, डिविडेंड का बैंड अपनी जगह मौजूद है, एज वेल एज पर्सनल अलाउंसेस। पर्सनल अलाउंसेस भी वही हैं जो हमने FA 21 के अंदर ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। Sure.